अमित ने फोन करके टॉपिक दिया, कह रहे थे रौनक भाई रोटी कपड़ा और मकान, इन तीन चीजों के लिए इंसान जिंदगी भर जद्दोजहद करता रहता है। अब इसी पे अगर आप बउआ बन के कुछ क्या, ये सुनिए बहुत कुछ किया। हेलो, नमस्ते अंकल। कौन बोल रहे हैं? How are you doing these days? अरे कौन बोल रहे हैं भाई? सी सेट का विद्यार्थी है क्या? इंग्लिश पे इतना गुस्सा कर रहा है। अरे कौन बोल रहे हैं भाई? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ जी। मेरे को आपसे 2 मिनट चाहिए था। अच्छा बोल। एक आदमी को क्या चाहिए जीने के लिए? मुझे क्या पता क्या चाहिए, तू बता। कुछ चंद सांसें, थोड़ा पानी जी, और रोटी कपड़ा और मकान। वेरी गुड, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। बोले आगे बोले। लेकिन जो मकान की चाहत है ना, वो गलत चाहत है। क्यों भाई? रोटी कपड़ा तो सस्ता मिलता, मकान तो 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख। चल ठीक है, अच्छा आगे बोल, आगे बोल, आगे बोल। और पोजीशन 2016 में मिलेगा। आगे बोल ना फिर क्या। और ग्रेटर नोएडा में तो ब्रोशर्स की मीनार लग रही है। अरे आगे बोल ना, आगे बोल, आगे 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 बोले। 2 बार आगे बोले ना यार। सोच मत कर, सुनी तो मैं कह रहा हूँ, सीधा मकान नहीं चाहिए इंसान को, थोड़ा थोड़ा करे, स्टेप बाय स्टेप। रोटी कपड़ा और मकान नहीं, टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर? हाँ। टिश्यू पेपर क्या मकान बन जाएगा? नहीं नहीं नहीं, देखो मैं बता दूँ आपको, टिश्यू पेपर लिया, टिश्यू पेपर से हाथ पहुँच सकता है। हाथ तब पहुँचेगा जब हाथ गंदा होगा। हाथ तब गंदा होगा जब कुछ खाएगा। हाँ अमर चित्र कथा चल रही है। हाँ आश। और खाएगा तब जब कुछ पकेगा। अच्छा। पकता कहाँ है खाना? किचन में। किचन में पकता है। और किचन किचन कहाँ होता है? घर में। घर में, और घर को मकान कहते हैं। तो हो गया रोटी कपड़ा टिश्यू पेपर। अबे नहीं, अगर टिश्यू पेपर है तो मकान है। वो टिश्यू पेपर को ना घुमा के पूरा अच्छी तरह रोल करके। हाँ जी। बत्ती बना, बत्ती बना के। मैं तो मैं क्या, मेरे मेरे क्या, मेरे क्या, पब्लिक में खड़ा हूँ, नहीं तो फिर बता दे तेरे क्या। पब्लिक में खड़ा है तो क्या, ऐसा क्या गंदा है जो पब्लिक में नहीं बोल सकता? मैं ना तेरे ना डाल दूंगा। कोई सुनेगा तो क्या बोलेगा, गंदा आदमी।